अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ढाई साल में ही प्रदेश की जनता का योगी सरकार यानी कि बीजेपी सरकार से मोह भंग हो गया है। देश की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पूर्णतः विफल हो गई है। जनता ने बीजेपी के द्वारा किए गए विकास पर विश्वास कर जिस आशा और उम्मीद के साथ बीजेपी की सरकार बनाई थी उस विश्वास को छलने का काम प्रदेश में किया जा रहा है। अब प्रदेश की जनता बड़े विश्वास की निगाहों से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की ओर देख रही है और यही वजह है कि जो संगठन बीजेपी के साथ कभी खड़े रहते थे समर्थन के लिए आज वो अखिलेश यादव का समर्थन का ऐलान कर रहे हैं। पूर्व राज्य मंत्री और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर केसी पांडे ने भी अब अखिलेश यादव का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि देश में जिस प्रकार से रेलवे का निजीकरण, डीजल पेट्रोल के मूल्यों में बेतहाशा बढ़ोतरी, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बंद होते कल कारखाने और बिगड़ी कानून व्यवस्था के बीच में प्रदेश में हो रहे 11 सीटों के विधानसभा उपचुनाव में ब्राह्मण समाज ने समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का मन बनाया है, फैसला किया है। डॉक्टर पांडे ने मंगलवार को इस बात का ऐलान किया। ब्राह्मण महासभा की बैठक में उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव में कोई सरकार बनने बिगड़ने वाली बात नहीं है, लेकिन केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जनमत संग्रह जरूरी हो जाएगा। बैठक में उच्च अधिकार प्राप्त समिति के सदस्य मौजूद रहे और सभी ने एक साथ मिलकर केसी पांडे का समर्थन किया। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने लोकसभा चुनाव के वक्त भी समाजवादी पार्टी के समर्थन का ऐलान किया था और एक बार फिर अब समाजवादी पार्टी के समर्थन में ब्राह्मण महासभा उतरी है। ऐसे में अब बीजेपी की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि ब्राह्मण महासभा का समर्थन अगर समाजवादी पार्टी को 11 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में मिलता है तो समाजवादी पार्टी और मजबूत हो जाएगी, बीजेपी की परेशानियां बढ़ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।